पूर्णिया जिले में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सख्ती दिखाई। जगह जगह बैरिकेडिंग करके अनावश्यक रूप से घूमने वालों को जिला प्रशासन के द्वारा दंडित भी किया गया। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के द्वारा जगह जगह सैनिटाइज करने का भी काम शुरू हो चुका है। आवास 24 आम लोगों से अपील करता है कि लॉकडाउन के मद्देनजर अपने घरों में रहें, बिना कोई आपात स्थिति के घरों के बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज पूर्णिया में जगह जगह पर सैनिटाइज करने का काम किया गया है। और वहीं एक खास चीज देखने को मिली है कि ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया है, ताकि जितने भी कीटाणु आसपास फैले होंगे वो मर जाए और शहर सुरक्षित हो, इसलिए सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। और आप लोगों से एक अपील है कि लॉकडाउन है, इसका बेखूबी आप लोग पालन कीजिए और घरों से सिर्फ ज़रूरत के सामान को लेने के लिए ही निकलिए, अनावश्यक रूप से निकलना मना है। कोरोना से बचाने के लिए तो स्वास्थ्य विभाग कर ही रही है, साथ ही नगर निगम अपना जो सुविधा उसके पास है, साफ सफाई पर जो ध्यान देना है, जो हमारा रूटीन वर्क के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया जा रहा है। दस दस मशीन लगी हुई है हमारा जो हैंड मैनुअल वाला, उसे स्प्रे करवा रहे हैं, टैंकर में भी करवा रहे हैं, केमिकल और पानी डाल के हम लोग सड़क किनारे जहाँ जहाँ भी है सैनिटाइज करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। और लोगों से अपील भी करते जा रहे हैं, देख रहे हैं हमारी गाड़ी में स्पीकर लग रहा है, 2-3 स्पीकर लगा के लोग घर से नहीं निकले, सबके साथ सैनिटाइजर भी है। दुकान में भी देखा जाए कि नगर निगम की ओर से खास पहल करके चिन्ह जरूरी है, सबको अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिला प्रशासन के द्वारा सबको सब दुकानदारों को भी निर्देश दे दिया गया कि अपने दुकान का चिन्हित करें, भीड़ नहीं हो, एक एक मीटर के ऊपर लगा के वो एक चक्र लगाना है, उसमें लाइन के में देख के सामान देना है, ये प्रशासन के द्वारा किया गया है।